हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास का एक लेसन है हमारा भूगोल का। हमारा देश भारत, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये पार्ट में आपका सातवां चैप्टर मिलेगा आपको। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको पहले ये देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, यानी बहुत बड़ा भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब देखिए, यहाँ एक शब्द आ गया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप सतल यानी जमीन का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। अब चित्र में देखिए आप, इसमें देखिए आप, यहाँ आप देखेंगे कि जिस तरह ये जमीन है भारत की और ये समुद्र है इधर नीला, तो यहाँ देखिए आप तीन साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड, यहाँ तो जल है और बीच में क्या है, जमीन। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। जिस तरह ये अंडमान निकोबार है, इसको देखिए आप, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, देखो आप सारे पानी से घिरे हुए हैं ये द्वीप, तो इनको बोलते हैं हम द्वीप, और जो तीन ओर से घिरा हुआ उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। तो भारत एक प्रायद्वीप हुआ, ठीक है। अब आगे बताता है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, अब उत्तर में कश्मीर से कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में, वहाँ तक इसका विस्तार है वो लगभग 3,200 किलोमीटर है, यानी उत्तर से दक्षिण 3,200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पूर्व में हम अरुणाचल प्रदेश से शुरू करेंगे और पश्चिम में कच्छ, कच्छ कहाँ है, गुजरात में, वहाँ तक इसका विस्तार है वो 2900 किलोमीटर तक है। यानी भारत की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर और चौड़ाई है वो 2900 किलोमीटर है, ये आपको याद करनी है बच्चों। भारत में क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, भारतीय महामरुस्थल है, मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में, उत्तर के मैदान हैं, आसमान पठारी सतह है, तटीय भाग, तटीय भाग क्या होते हैं, जो समुद्र के आसपास वाले भाग होते हैं उनको तटीय भाग बोलते हैं, एवं द्वीप समूह, द्वीप समूह आपको पता ही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार सतल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहां जो जलवायु है वो क्या है, अलग अलग प्रकार की है। यहाँ की जलवायु क्या है, जलवायु है, वनस्पति है, वन्य जीव है, इनके साथ साथ यहाँ की भाषा और संस्कृति, इनमें भी बहुत विभिन्नता है। यानी यहाँ की भाषाएं अलग अलग है, संस्कृतियां अलग अलग हैं, इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, यानी फिर भी भारत हमारा एक है जो हमारी परंपराओं को दिखाता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, यानी हम सब भारतीय हैं। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जो आबादी, आबादी का मतलब जनसंख्या, वो 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। चीन के बाद विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए एक नंबर पर है चीन। आगे हम देखेंगे भारत की स्थिति क्या है। अब स्थिति के बारे में हम देखेंगे तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब गोलार्ध का मतलब आप समझिए, मानचित्र वाले पाठ में आपने देखा होगा कि जब भूमध्य रेखा से उत्तर का जो हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिण का हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध। तो हम भूमध्य रेखा से उत्तर में हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हैं। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। आप देख लेना ये चित्र 5.7.2 में आप देखेंगे, देखिए आप
करक रेखा आप देखिए, ये देखिए, ये जो रेखा है जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है क्या, ये वाली रेखा, ये करक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये लगभग भारत के बीच से गुजर रही है। आगे आपको और बताया गया इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप देखिए कि भारत दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और उत्तर की तरफ बढ़ता जाता है तो 37 डिग्री 6 मिनट की ओर ऊपर चला जाएगा कश्मीर तक, ठीक है। ये अंडमान निकोबार में कोई जगह है, वहां से शुरू होता है और ऊपर की ओर जाएंगे ना कश्मीर की ओर, तब 37 डिग्री 6 मिनट चला जाएगा। ये अक्षांशों के बीच में, यानी इन दो अक्षांशों के बीच में है, ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश। अब अगर हम देशांतर की बात करें तो ये कहाँ है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से ध्यान कीजिए, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, यानी गुजरात से शुरू होगा ये 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है, ये अरुणाचल प्रदेश में चला जाएगा ये। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, यानी भारत की स्थिति है वो पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। इसके लिए हम आपको अलग से ग्लोब पर सिखाएंगे कि पूर्वी गोलार्ध में कैसे हुआ। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार, लगभग 29 डिग्री हो गया भारत का देशांतर का विस्तार, इनके बीच में और इसके बीच में 29 डिग्री का लगभग फर्क आता है। इसके कारण यहाँ के दो छोर स्थित हैं, यानी एक अरुणाचल प्रदेश में और एक गुजरात में, दो छोर हो गए। इन स्थानों के बीच स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो जाता है और इस तरह की दूरी को, दो जमीनों के बीच कुछ जो दूरी है लगभग, वो कितनी होगी लगभग, ये बताता है कि लगभग 2 घंटे हो गया, इसने लिखा हुआ है 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। यानी आपने पढ़ा भी होगा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए कितने कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ये देखिए तो आप देखेंगे कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल में सूर्योदय, यानी सूर्य है वो लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि भारत का जो स्थानीय समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है, भारत का मानक समय, ठीक है। वो बीच का है जो ना क्षेत्र, उसको मान लिया, यानी आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर, ठीक है, भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये इलाहाबाद के पास से गुजरता है। तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा बच्चों।